छठ पर्व के मद्देनजर राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट सहित सभी घाटों पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा उचित इंतजाम किया गया है, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि महानगर में विभिन्न घाटों पर महिलाओं द्वारा अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन तथा एनडीआरएफ की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि पूरी रात तक सभी टीमें मौजूद रहेंगी और सुबह तक छठ पूजा को संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि त्यौहार में किसी तरह की समस्या ना होने पाए और छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता और एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह ने कहा, और बिहार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, तो यहाँ पे वाटर इमरजेंसी को देखते हुए कि हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, जिसके लिए हमारे 25 जवान जो वेल ट्रेंड हैं और 4 बोटें हमारी गश्त पे लगी हुई हैं, अगर किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी है तो उसको रोकने के लिए, और इस टीम के साथ हमारे गोताखोर भी हैं और पैरामेडिक्स भी हैं, जो किसी को अगर इमरजेंसी में किसी को चोट लग जाती है तो उसका प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने में तत्पर है। यहाँ पे देखिए, ये मुख्य रूप से शाम को यहाँ पब्लिक के भीड़ इकट्ठा होती है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद फिर पब्लिक यहाँ से जाना शुरू कर देती है, तो लगभग 7-7:30 बजे तक यहाँ से सभी पब्लिक चले जाते हैं, फिर सुबह के समय में यहाँ पे 3:30 बजे से लोगों का भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और दिन में 8 बजे तक ख़त्म हो जाता है। जी, हम वाटर इमरजेंसी के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं कि और पूरी कोशिश यही करेंगे कि यहाँ पे किसी प्रकार की अनहोनी न हो पाए। पूरे गोरखपुर शहर में विभिन्न नदियों पोखरों के किनारे आज छठ पूजा का त्यौहार सभी महिलाएं जो अपने पुत्र के प्राप्ति के लिए, अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए मनाती है, मनाया जा रहा है, और इसको लेकर पुलिस प्रशासन व एनडीआरएफ नागरिक सुरक्षा की टीम हर घाट पर मौजूद है, और अभी शाम के बाद फिर सुबह भी इस त्यौहार को लेकर सभी महिलाएं घाट पर आएंगी, उस समय भी हमारी टीम पुलिस सुरक्षा नागरिक सुरक्षा कोर एनडीआरएफ सारी टीमें मौजूद रहेंगी और हम उम्मीद करते हैं त्यौहार सकुशल निपटेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी।